Hi, myself Parekh here. So यार आज के सेशन में एक इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बात करेंगे. I will be discussing a full roadmap for aptitude preparation for placements. तो aptitude एक important part role play करता है, especially in the first round of companies. So मैं उसका एक पूरा path बताने वाला हूँ कि हमें aptitude में क्या क्या पढ़ना चाहिए, कौन कौन से detailed topics करने चाहिए, कौन कौन से topics must do है placement perspective से, है ना, एंड किस ऑर्डर में करने चाहिए और हमें कहाँ से करने चाहिए वो भी बताने. ठीक है, सो स्टे टिल एंड ऑफ द वीडियो एंड तुम्हें पूरी जानकारी मिल जाएगी कि यार एप्टीट्यूड कैसे करना है. और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक एंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, उनकी बहुत अच्छे से हेल्प हो जाएगी एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब हो जाएगा. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं एंड एप्टीट्यूड के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले एप्टीट्यूड में हमें मेनली चार चीजों पर फोकस करना होता है. वन इज लॉजिकल रीजनिंग, सेकेंड इज एरिथमेटिक एबिलिटी, थर्ड इज लिटिल बिट ऑफ इंग्लिश एंड फोर्थ इज डेटा इंटरप्रिटेशन. जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं चार टॉपिक से रिलेटेड आएंगे, है ना. तो अब सबसे पहले बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग में हमें क्या क्या करना है. देखो लॉजिकल रीजनिंग में डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन होते हैं. एक तो तुम्हारे कैलेंडर टाइप के क्वेश्चन होते हैं, है ना, कि यार इस साल में इस दिन पे कौन सा डे रहा होगा, है ना, तो उसके लिए अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, थोड़ा कॉन्सेप्ट सीख सकते हो, है ना. फिर क्लॉक के क्वेश्चन होते हैं, राइट, कि कितना एंगल बनेगा आवर और मिनट हैंड में, ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बन जाते हैं, राइट. उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक सीरीज या कोडिंग डिकोडिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं कि यार मान लो एमओक्यू लिखा है, मतलब दो वर्ड्स का सेपरेशन है, तो ऐसी अगर तुम्हें अगला वाला दे दिया कुछ तो उसमें दो वर्ड्स के सेपरेशन के कॉरस्पॉन्डिंग क्या लेटर आएगा, ऐसे वाले जो थोड़ा सा लॉजिकली सोचना होता है, राइट. एक डाइसिस वाला आता है कि डाइसिस में क्या होता है, थोड़ा 3D विजुलाइज करना पड़ता है कि डाइस की ये वाले पे क्या क्या नंबर दिख रहा होगा, है ना, वैसे वाले क्वेश्चंस होते हैं. ऑड वन आउट वाले क्वेश्चंस, है ना, सोच समझ के करना होता है, यार ये ना फालतू चीज लग रही है इनमें से, है ना. सो ऑड वन आउट टाइप के क्वेश्चंस, पेपर फोल्डिंग वाले, पूरा विजुलाइज करना पड़ता है, अच्छा इसको ऐसे फोल्ड करा फिर उसके बाद ऐसे फोल्ड करा तो नेक्स्ट में क्या शेप दिखेगी, है ना, पेपर फोल्डिंग वाले इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं. मिरर एंड वाटर इमेजेस वाले, कि इसकी मिरर इमेज कैसे दिखेगी, वैसे काफी लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं. स्टेटमेंट एंड अजम्पशन वाले क्वेश्चंस, कि तुम्हें स्टेटमेंट गिवन है, कुछ अजम्पशन है, उसके बेसिस पे कुछ असर्शन बतानी है कि क्या है क्या नहीं होगा, वो थोड़े लॉजिकली सोचने होते हैं. और एक सीटिंग अरेंजमेंट वाला, कि एक राउंड टेबल पे बैठे हैं लोग तो इसके साइड में कौन बैठा होगा, इसके सामने कौन बैठा होगा, ऐसे टाइप के बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना. तो ये सारे मोस्टली प्लेसमेंट परस्पेक्टिव से, ये चीजों पे ज्यादा फोकस करा जाता है प्लेसमेंट परस्पेक्टिव से इन टर्म्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, है ना. अब मैं बात करूं अगर प्रैक्टिस करना है ना, तो मैं आई विल बी शेयरिंग अ लिंक ऑफ द गाइडेड पाथ इन द डिस्क्रिप्शन, है ना. हमने पूरा गाइड वर्क बना रखा है लॉजिकल रीजनिंग का, एरिथमेटिक एबिलिटी का, इंग्लिश का, डेटा इंटरप्रिटेशन का. उस गाइड पाथ को पूरा एंड टू एंड अच्छे से कर लो एंड मैं गारंटी ले रहा हूं तुम्हें बहुत अच्छे से आ जाएगा एप्टीट्यूड. ठीक है, तो उस लिंक पर जरूर चले जाना, मैं बाकी चीजों के बारे में बताने वाला हूँ, प्लीज लिसन टू दैट एज वेल, है ना. सो हमने लॉजिकल रीजनिंग के बारे में बात कर ली, कैलेंडर, क्लॉक, सीटिंग अरेंजमेंट, ये सब पूरा लॉजिकली, जिसमें थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़े क्योंकि रट के नहीं जा सकते, है ना. तो जितना अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे दैट विल बी ग्रेट फॉर यू. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट कम्स इज एरिथमेटिक एबिलिटी. इसमें थोड़े मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होते हैं ना, जिनके में थोड़ी सी थ्योरी पढ़नी पड़ती है. लॉजिकल क्या है, दिमाग चलाना पड़ेगा. एरिथमेटिक एबिलिटी में क्या है, थोड़े कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, उसी के बेसिस पे सॉल्व होंगे क्वेश्चन, है ना. तो एरिथमेटिक एबिलिटी में आता है HCF, LCM, है ना, बहुत पहले से पढ़ रहे हैं. बट क्या होता है, एप्टीट्यूड में एक्यूरेसी ज्यादा स्पीड मैटर करती है. तो आता सबको है बट कौन जल्दी कर लेता है, वही चीज है जो एप्टीट्यूड में तुम्हें अच्छा बनाएगी, है ना. स्पीड एंड एक्यूरेसी बोथ मैटर्स यार, सही तो होना ही चाहिए बट जल्दी भी होना चाहिए, तो हमें वो फ्लो बनाना पड़ेगा. तो HCF, LCM में थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, है ना, तो उसमें अच्छा फ्लो बन जाएगा. फिर एवरेजेस के क्वेश्चन, एवरेजेस के बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं, उसकी कुछ टेक्निक्स है, कुछ शॉर्ट टेक्निक्स से शायद जल्दी हो जाए, तो सीखने में क्या जा रहा है अगर जल्दी सॉल्व हो जाता है. एलिगेशन एंड मिक्सचर वाले क्वेश्चन है, कि मिल्क और वाटर को मिक्स कर दिया तो कितना रेशो होगा वाटर का, कितना रेशो होगा मिल्क का, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं. कॉपर एंड गोल्ड के मिक्सचर वाले क्वेश्चन होते हैं, है ना. फिर परसेंटेजेस के क्वेश्चन होते हैं, कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, हमेशा ना हम कंफ्यूज जाते हैं उन क्वेश्चन में, या डिक्रीज में पहले वाला लेना होता है या क्या लेना होता है ना, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, परसेंटेजेस के बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन. प्रॉफिट एंड लॉस सुनने में ऐसा लगता है तो बच्चों वाले टॉपिक है, बट यार वो ना क्या होते हैं, जल्दी जल्दी नहीं सॉल्व होते, राइट. तो अगर हमें जल्दी जल्दी सॉल्व करना है तो थोड़ी टेक्निक सीखनी पड़ेगी. कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस वगैरह सबको जल्दी जल्दी विजुलाइज होना चाहिए, है ना. टाइम एंड वर्क तो मैं बता रहा हूँ, तुम किसी भी एप्टीट्यूड टेस्ट में चले जाओ और जो ये क्वेश्चंस होते हैं ना, कि ये बंदा इतने दिनों में इतना काम करता है तो ये लोग इतने दिनों में कितना काम करेंगे,
पक्का आएगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का तो आना ही आना है ना, इसमें टेक्निक्स होती हैं, अगर प्रैक्टिस नहीं हुई थी ना तो लेट हो रहा होता है क्वेश्चन, तो टाइम एंड वर्क की अच्छे से हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर नेक्स्ट टू फेवरेट टॉपिक्स है जो 11 12th में सबको सबसे मुश्किल लगते थे, मुझे पर्सनली तो मुझे बहुत लगते थे, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस और प्रोबेबिलिटी। ऑनेस्टली प्लेसमेंट में उस लेवल के नहीं आते 11 12th वाले, बट प्रैक्टिस करके जानी होती है। प्रोबेबिलिटी में बेस थ्योरम लगाना भूल जाते हैं हम और आ जाते हैं एप्टीट्यूड में क्वेश्चंस बेस थ्योरम वाले, तो पढ़ लो एक बार रिवाइज कर लो जिससे कि वो बेस थ्योरम अप्लाई करना अच्छे से आता हो, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की अच्छे से सोच पाओ, जितनी तुम्हारी विजुअल पावर अच्छी हो जाएगी, जितनी तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, इनके क्वेश्चंस भी अच्छे से कर पाओगे, है ना। नोबडी वांट्स टू रिजेक्ट बिकॉज ऑफ द एप्टीट्यूड पार्ट, है ना, कोडिंग में क्वेश्चन नहीं हो पाया तो दैट्स ओके, बट एप्टीट्यूड की वजह से रिजेक्ट ना हो यार, ठीक है। तो पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस भी कर लेंगे, अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में जहां से तुम ये सब पढ़ाई कर सकते हो, जहां से तुम ये सब प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा 3 मोर फेवरेट टॉपिक्स इन एरिथमेटिक एबिलिटी, टाइम स्पीड डिस्टेंस, लॉगरिथम्स एंड सेट थ्योरी। टाइम स्पीड डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत जगह पूछा जाता है, लॉगरिथम्स थोड़ा सा रिवाइज कर लो, है ना, कुछ टेक्निक्स होती थी लॉगरिथम्स की, वो अगर हम अच्छे से कर लेंगे सो इट विल बी ग्रेट। उसके अलावा सेट थ्योरी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जाता है, यूनियन वाले, इंटरसेक्शन वाले, उनको भी अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो भी हमारी अच्छा फ्लो बना लेंगे, है ना। सो एरिथमेटिक एबिलिटी में अगर हम डिस्कस करें, एचसीएफ एलसीएम हो गया, एवरेजेस हो गए, एलिगेशन हो गए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, प्रोबेबिलिटी, टाइम स्पीड डिस्टेंस, लॉगरिथम, सेट थ्योरी, तुम्हें आता होगा शायद, बट प्रैक्टिस कर लो प्लेसमेंट से पहले, ये मैटर करता है, जो जल्दी करता है उसके जल्दी सॉल्व होते हैं और वो नेक्स्ट राउंड में जाता है। सो मोस्टली फर्स्ट राउंड में एप्टीट्यूड के बेसिस पे ज्यादा शॉर्टलिस्टिंग हो रही होती है, मैंने पर्सनली फेस करी है, तो तुम मत करो, एप्टीट्यूड अच्छे से करो एंड इट विल हेल्प यू अलॉट। इसके अलावा जैसे एमकैट वगैरह के टेस्ट होते हैं, बहुत पॉपुलर टेस्ट है प्लेसमेंट में, तो उसमें ना इंग्लिश आ जाती है, इंग्लिश तो हम पढ़ते ही नहीं है मोस्टली लोग, तो आते ही नहीं होता, और इंग्लिश की वजह से क्यों रिजेक्ट होना, एक बेसिक सी अगर हम पढ़ लें इंग्लिश तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल। इंग्लिश में थोड़ा सेंटेंस कंप्लीशन वगैरह थोड़ा रिवाइज करना होता है, और मैं तुम्हें रिसोर्स बता ही रहा हूँ, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके पढ़ सकते हो, दैट विल बी रियली हेल्पफुल। सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चंस कर लो, सिनोनिम और एंटोनियम के क्वेश्चंस कर लो, दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, है ना। थोड़ा सा मतलब अगर हम बेसिक पढ़ लेंगे, थोड़ा हमें नोट्स वगैरह मिल जाएंगे इंग्लिश के लिए, तो हमारे लिए दैट विल बी रियली हेल्पफुल, तो वो अच्छे से कर लो इंग्लिश में। इसके अलावा एक क्रिटिकल पार्ट है, दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन। देखो डेटा इंटरप्रिटेशन में ना क्या होता है, अगर हमने प्रैक्टिस नहीं करी होती ना तो हम विजुलाइज नहीं कर पाते, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, उसके अलावा एक और होता है विच इज टेबल वाले जो होते हैं, है ना, ये चार चीजें होती है मेनली डेटा इंटरप्रिटेशन में। तो बार चार्ट में किस पर्सपेक्टिव से सोचना होता है टू सॉल्व द क्वेश्चन, लाइन चार्ट में कैसे सोचना होता है, पाई चार्ट में कैसे सोचना होता है, टेबल वाइज में कैसे विजुलाइज करना होता है जिससे कि हम जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाए। सो डेटा इंटरप्रिटेशन भी काफी क्रिटिकल पार्ट हो जाता है एप्टीट्यूड का, एंड इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो क्या होता है, जिसका विजुलाइज पावर डेटा इंटरप्रिटेशन में अच्छा होता है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाता है। सो आई विल हाईली रिकमेंड इसके क्वेश्चन भी तुम प्रैक्टिस कर लोगे, सो दैट विल बी रियली गुड फॉर यू, है ना। सो ओवरऑल अब हमने सारी चीजें कवर कर ली, एरिथमेटिक एबिलिटी कर ली, लॉजिकल रीजनिंग कर ली, इंग्लिश कर ली, डेटा इंटरप्रिटेशन कर ली। अगर हम लाइक प्लेसमेंट अगर सीजन हमारा दो महीने बाद शुरू हो रहा है या कभी भी आने वाली है कि हम प्लेसमेंट में बैठने वाले हैं, है ना, तो उसके लिए क्या करेंगे, 2 महीने पहले बैठ के ये गाइडेड पाथ जो है इसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, दिन में 1 घंटा दे देंगे तो भी हो जाएगा। बस क्या है, फ्लो में रहेंगे, एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस में फ्लो मैटर करता है, अगर तुम रिसेंटली प्रैक्टिस करके आए हो तो बहुत अच्छे से एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस कर पाओगे। सो इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, ये एप्टीट्यूड प्रिपरेशन की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। इसके अलावा पर्सनली इफ यू वांट टू लाइक तुम्हें नहीं समझ में आता टेक्स्ट बेस्ड थिंग से, सो कोडिंग इंजास पे कोर्स भी एप्टीट्यूड प्रिपरेशन का, वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो, वहां पर अरुण शर्मा सर पढ़ा रहे हैं, राइट, ही इज अ वेरी फेमस फैकल्टी अरुण शर्मा सर, आई थिंक उनके बहुत सारी बुक्स देखी होगी, एंड मोस्टली लोग जो एमबीए वाले होते हैं वो उन्हीं के बुक से प्रैक्टिस करते हैं। सो कोडिंग निंजास पे उन्हीं के नेम का कोर्स भी है, वो भी ट्राई आउट कर सकते हो, कोडिंग निंजास पे गाइडेड पाथ है, वो तो मैं लिंक डाल ही रहा हूँ, वहां से अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। इन सब चीजों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, बहुत अच्छे से अपना फ्लो बना लो, एंड दैट विल रियली हेल्प इन योर प्लेसमेंट्स, ओके। एंड ओवरऑल इन द लास्ट आई वांट टू से यार, एप्टीट्यूड प्लेसमेंट तो हेल्प कर ही रहा है, बट इन जनरल लाइफ में भी जितना अच्छा एप्टीट्यूड होगा उतना अच्छा हम चीजों को सोच पाते हैं, उतना अच्छा हम विजुलाइज कर पाते हैं, सो इट विल हेल्प यू इन जनरल एज वेल, ओके, गुड लक।